क्षितिजल पावक गगन समीरा, आज तप्त से रचित शरीरा। आज के समय में शुगर जैसे एक आम बीमारी बनती जा रही है। भारत में तो छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक ये समस्या देखी जा सकती है। आमतौर पर शुगर की बीमारी होने पर व्यक्ति जिंदगी भर दवाइयों का सहारा लेता है, लेकिन ये एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या है जिसका इलाज आप घर पर ही बेहद आसानी से कर सकते हैं। कई बार महंगी से महंगी दवाइयों का सेवन करने के बाद भी डायबिटीज का उपचार नहीं हो पाता। अनसमय में हमें याद आता है कि काश हमने घरेलू नुस्खों की मदद से ही आयुर्वेदिक उपचारों की सहायता ले ली होती तो शायद ठीक होता। कई सारे लोगों ने घरेलू नुस्खों के द्वारा कई गंभीर बीमारियों से निजात पाया है। अगर हम घरेलू नुस्खों को प्राथमिकता दें तो बहुत ही कम समय में हमारा शरीर स्वस्थ हो सकता है और कम खर्चे में हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन कौन से नुस्खे हैं जिसके माध्यम से हम अपने शुगर की बीमारी को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। मखानों का सेवन। मखानों में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये दिल से लेकर जोड़ों के लिए फायदेमंद है, लेकिन अगर आपको शुगर की समस्या है और आप उसे जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो प्रतिदिन खाली पेट मखाने के 5-7 दाने खाने होंगे। कुछ दिनों तक लगातार ऐसी करने से आपकी ब्लड में शुगर लेवल खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। करेले का सेवन। करेला स्वाद में भले ही कड़वा हो, लेकिन इससे होने वाले लाभ बड़े ही मीठे होते हैं। डायबिटीज के मरीजों को प्रतिदिन करेले का रस जरूर पीना चाहिए। करेले में हाइपोलाइकेमिक बायोकेमिकल पदार्थ होता है जो रक्त में शक्कर का उच्च स्तर का इलाज करने के लिए उपयोगी होता है। कड़ी पत्ता। अगर आपके लिए करेले का रस पीना संभव नहीं है तो आप दिन में 2 या 3 बार कुछ कड़ी पत्ते चबाएं। इससे भी आपकी शुगर काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। हल्दी। हल्दी में कई तरह के औषधीय गुण पाए जाते हैं। शायद इसलिए चोट लगने से लेकर कई स्वास्थ्य और सौंदर्य समस्याओं को दूर करने के लिए इसकी मदद ली जाती है। अगर आपको शुगर की बीमारी है तो आप शहद में चुटकी भर हल्दी और सूखे आंवले का पाउडर मिलाकर उसका सेवन करें। इससे आपकी स्थिति में काफी परिवर्तन आएगा। पुदीना। ठंड के मौसम में अक्सर लोग चटनी बनाकर इसका सेवन करना पसंद करते हैं, तो क्यों ना आप ऐसी चटनी बनाएं जो शुगर भी जड़ से खत्म कर दे। इसके लिए आप पुदीने की पत्तियां लेकर उसमें अदरक का टुकड़ा, लहसुन और उसमें खट्टा अनारदाना मिक्स करके पीसें और चटनी बनाएं। आप अपने खाने के साथ इस चटनी का सेवन करें। यकीन मानिए आपकी डायबिटीज की बीमारी आपसे दूर भाग जाएगी। हमारी हमेशा ही ये कोशिश रहती है कि घर बैठे और बिना किसी खर्चों के हम आपकी बीमारी से आपको निजात दिला दें। स्वास्थ्य संबंधी अन्य जानकारियों के लिए आप देखते रहिए महर्षि कृपा शक्ति। अपने रोगों को ठीक करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।